गांव जडोला में वार्ड 12 से पार्षद नेहा तंवर का किया गया भव्य स्वागत समारोह। इस कार्यक्रम में उनके साथ उनके प्रतिनिधि के तौर पर विकास तंवर भी पहुंचे थे। एक कद्दावर नेता के रूप में पहचान बना चुके विकास तंवर, जिनका वहां पहुंचते ही फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और आपको बता दें, गांव जडोला में पहले काफी जनसभाएं कर चुके विकास तंवर कोडक, जिनको पहले से काफी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था, उनको चुनाव में भारी वोट देकर के जडोला ने एक तरफा माहौल बनाने का काम किया। और विकास तंवर ने आज देखिए भरी जनसभा में क्या कह के सबको असंभित कर दिया, आइए दिखाते हैं। और वो राज भी जाहिर कर दिए जो चुनाव के दौरान कुछ वो बातें थी जो उस समय सामने नहीं आई। और देखिए क्या कुछ विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए दिखाते हैं। देखिए, जडोड़ा वासियों ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है हमारी। तो जो आज का समारोह था, ये जडोड़ा वासियों को मैं धन्यवाद करने आया था। और मैं इस समारोह के आयोजक जितने मेरे भाई और बुजुर्ग हैं, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये इस गांव ने मेरा उस समय साथ दिया था जब मेरे को इस एरिया में कोई भी नहीं जानता था। जो पिछला चुनाव था उसमें इस गांव की बहुत अहम भूमिका थी, और इस बार भी इस गांव ने लगभग 1200 वोटें दे के मेरे को फर्स्ट नंबर पे रखा। और आज के इस समारोह में जो एक अपनापन दोबारा से दिखाया इस गांव ने, इस गांव का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा इस गांव के लिए वो मैं करूंगा। विकास जी, राजनीति की नई नींव आपने रखी है, जहां लोग वादे करते थे लेकिन अब की बार इस बार वोट काम को दी जाए, तो आगे किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया तमाम गाँवों के लिए, क्या कुछ विकास कार्य रहेंगे विकास के? देखिए, अगर मैं बिल्कुल मोटी मोटी सी समस्याएं देखूं, क्योंकि मैं कोई नया तो हूं नहीं इस एरिया के लिए, लगभग हर गांव में इस वार्ड में मैंने काम किए हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय वो है निकासी की। बल्कि जडोड़ा में भी एक जोड़ है परली तरफ, वो भरा रहता है, उसकी निकासी का भी इंतज़ाम करना है। बंदराणा में भी करना है, आपके रसूलपुर गांव में भी बड़ी दिक्कत है, खनौदा में दिक्कत है। तो एक तो निकासी की, दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है हेल्थ की। मैं इन सारे गाँव का जो पानी है वो चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो बीमारियाँ हैं आज के समय में, हर चौथे पांचवें घर में कैंसर पनप रहा है, काढ़ा पीलिया है, बीपी और शुगर की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत है वो है पानी की चेकिंग की, क्योंकि जो पानी की पाइपलाइन है वो बीच में क्रैक हुई पड़ी है, जिनसे गलत उसमें मिक्स होता है पानी और लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और तीसरी चीज़ है जो खेतों में जो बिजली जा रही है, जो खेतों की इसकी आपकी तारें हैं वो ढीली हैं और वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो हर थोड़े दिनों बाद लोगों की तारें टूट जाती हैं। मतलब बिजली व्यवस्था पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से देखा गया है, विकास तंवर पहले हर वक्त लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहते थे, जीत के बाद क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसे पहले उपलब्ध था वो तो शायद मेरी च्वाइस थी, मेरा क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी है, अब मेरी जिम्मेवारी है लोगों के लिए उपलब्ध रहना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी जीत का रिजल्ट आया है और मेरे हिसाब से अगले 10 दिन तक भी, क्योंकि जो बधाइयाँ हैं वो पूरे हरियाणा से आ रही हैं, वो सिर्फ वार्ड में से नहीं आ रही, वो पूरे हरियाणा में से इतने फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों के फ़ोन नहीं मिल पा रहे या उनके टाइमली पिक नहीं हो पा रहे, तो भी ये 10 एक दिन तक रहेगा। उसके बाद जैसे पिछले 5 साल गुजरे हैं, अगले 5 साल भी उसी तरीके से बीच में उपलब्ध रहेंगे। विकास जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं क्या? वार्ड 12 के साथ शहर की सेवा भी करने के लिए तैयार हैं? नहीं, शहर की सेवा भी करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो अब तो चलो एक संवैधानिक पद है जी। उससे पहले भी जब संवैधानिक पद नहीं था, तो अगर आपको याद हो तो जो टोल टैक्स फ्री करवाया था, तो उसमें सारे आधे से ज़्यादा गांव वो थे जो इस वार्ड में नहीं थे। जब कैथल में भी आपको पता है कि अलग अलग समस्याओं को लेकर हम प्रदर्शन करते हैं, सारे पत्रकार बंधु कवर करते हैं, तो हम पहले से ही समस्या उठा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेरे से किसी ने उम्मीद कर ली वो मैं कभी नहीं देखता, वो गांव की है, शहर की है,
किस डिस्ट्रिक्ट की है या पास में पड़ने वाला जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ पर भी हम अपनी सेवाएं देने का काम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहे हैं। जिस तरह से चुनाव जीता गया, निर्दलीय के तौर पर जीता गया, लोगों ने आपको मत दिए, भविष्य कैसे देखे? किसी राजनीतिक दल से जुड़कर काम करना चाहते हैं या कोई और रोड मैप तैयार किया गया? नहीं, देखिए, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने वोट भाजपा को दी है, भाजपा इसका राजनीतिक दल का मैं हिस्सा हूँ। ये जो चुनाव है ये भाईचारे को चुनाव था, ये कोई सिंबल पे नहीं था। लेकिन वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं किसको मत दूँ, किस पार्टी में हूँ। लेकिन जो लोगों ने मेरे को मत दिए हैं वो सारी पार्टियों ने दिए हैं। जो लोगों ने मेरे को मत दिए हैं वो ये देख के नहीं दिया कि किस पार्टी से है या किस गांव से है या किस जाति से है। लोगों ने इस बार सिर्फ वोट दिया काम को, तो इसलिए मैं जो लोगों के काम करूंगा वो जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, गांव से ऊपर उठ के, मोहल्ले से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, सामाजिक सिस्टम से ऊपर उठ के लोगों के काम होंगे। सिर्फ एक आधार है काम का, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसका सबसे पहले काम हो। हार माननी पड़ेगी, पिछले चुनाव में आप हार गए थे, अभी भाषण में किसको कटाक्ष किया जा रहा है? नहीं, कटाक्ष किसी को नहीं किया जा रहा। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला जो भी कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं लेता, वो मात्र एक मुखौटा थे। जो असली ताकतें थी वो पीछे थी। जो ज़्यादा धक्का लगा है आपकी वोट की चोट का वो पीछे लगा है, और आपने वो दोबारा साबित कर दिया है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो कुछ नहीं है, वो भी आपकी वोट से हैं। और जो आज हम कुछ भी हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो भी आपकी वोट से हैं। तो ये जनता ने दोबारा से साबित कर दिया है कि अब जनता, जो लोग वोटों के ठेकेदार बनते हैं, जो लोग उसमें मीडियोकर करते हैं, लोगों ने उनको बिल्कुल साइड में रख के वोट दिया है, और उस वोट की चोट बिल्कुल हेड ऑफिस तक जाके लगी है। मेरे हिसाब से 5-6 विधायकों के पसीने आए इस इलेक्शन से, और मैं उनको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि आप भी वोटों से बने हैं, इसलिए आपको भी संवैधानिक सिस्टम में जनता की जो मान्यता है उसका सम्मान करना चाहिए। अदरवाइज जनता है, आज ऊपर कर दे कल नीचे कर दे, किसको पता है।